आज पूरे देश को 6 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिसमें गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को ठहराव कोडरमा स्टेशन में होने पर रेलवे के वरीय पदाधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन का स्वागत किया, जहां कोडरमा स्टेशन पर स्कूली बच्चे भी इस वंदे भारत एक्सप्रेस की सफर के लिए सवार हुए। इस आधुनिक ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे के साथ वाईफाई, बेहतर केटरिंग, मूविंग चेयर समेत यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। लोगों ने कहा कि लंबे समय के से हावड़ा की रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग थी, जो आज पूरा हुआ। आज एक बार फिर पूरे देश को 6 वंदे भारत ट्रेन की जो है सौगात मिली है, और अभी जो है कोडरमा में भी 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है यहां पे ठहरा हुई है, और अभी हम गया से हावड़ा जाने वाली जो है वंदे भारत ट्रेन में है, और देख सकते हैं ये पूरा हाईटेक जो ट्रेन है उसमें स्कूली जो बच्चे है वो काफी आनंद ले रहे हैं और इस सफर का मजा ले रहे हैं। देख सकते हैं जितने भी स्कूली बच्चे और जो शिक्षक है इस जो हाईटेक ट्रेन है वंदे भारत उसमें सफर कर रहे हैं, और काफी जो ये सुहाना जो दृश्य है देख सकते हैं चारों तरफ से जो ये हाईटेक बनाई गई है वंदे भारत ट्रेन, जिसे लेकर आज कोडरमा में भी जो 2 जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी यहाँ ठहरा हुई है, और अभी हम लोग गया से हावड़ा जाने वाली ये वंदे भारत ट्रेन में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सभी स्कूली बच्चे जो है सफर कर रहे हैं। हम कुछ स्कूली जो है बच्चे से बात करेंगे कि ये जो वंदे भारत ट्रेन का सफर कैसा लगा। पहले आप को मैं बता देना चाहता हूँ, वंदे भारत में बैठने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब से स्कूल वाले ने इन्फॉर्म हमें किया था, पता है कल रात से मैं सोया नहीं हूँ, देख सकते हैं आप मेरी आंखें, और अभी जब मैं वंदे भारत में बैठा तो लग रहा है कि फाइनली मेरा जो ये पैशन था ये पूर्ण हुआ। और पता है जब ये वंदे भारत इंडिया में पहली बार पटरियों पर उतरी थी तब मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की रिव्यू देखा करता था, और आज मुझे बैठने का मौका मिला तो आप मेरी खुशी को समझ सकते हैं। और पता है अभी हम यहाँ से पारसनाथ जा रहे हैं, 72 किलोमीटर की यात्रा सफर तय करने वाले हैं, और पता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और इसकी फैसिलिटीज वाह, इतनी ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लगता ही नहीं ये हमारी इंडियन रेलवे है, यह ऐसा लगता है या इंडियन रेलवे हमारी भारत का आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक बन चुका है। केवल हमारे समय को बचाने के साथ ये हमारे विकास का एक सिंबल बन चुका है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे भारत गया से हावड़ा तक ये मैंने पहली ट्रेन दी गई है, मैंने बहुत दिनों से चिर परिचित मैंने मांग थी, हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरह की ट्रेनें और भी इस रूट में दिया जाए, जिससे लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी जा सके। स्टेशन में ये तीसरी वंदे भारत है, चौथी वंदे भारत अभी आने वाली है, हम लोग यहाँ से पारसनाथ जा रहे हैं, पारसनाथ से फिर रिटर्न कोडरमा आएंगे। सबसे पहले मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी को इस बहुत ही अच्छे फैसिलिटी के लिए। यहाँ की सिक्योरिटी फैसिलिटी, यहाँ पे फूडिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इस ट्रेन में मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से व्यूज इतना मस्त मिलता है, और यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, यहाँ का मीन्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है हम लोग को। क्या नाम है आपका? रेशांसी।